शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इन पेपर्स पर काव्या के अंगूठे के निशान तो ले लिए, पर इनको छुपाए कहाँ? ये सुरक्षित जगह है, यहाँ पर किसी की नजर नहीं पहुँच पाएगी। अच्छा, तो माँ पापा मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। रुकिए, रॉकी कहीं नहीं जाएगा। उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने किसी को तो जाना पड़ेगा। मिल गया सोल्यूशन। आयुष्मान, तुम इशिका को एयरपोर्ट ड्रॉप कर। वैसे ये काम मैं किसी और को भी दे सकता था, पर फिलहाल मेरी नजरों के सामने तुमसे ज्यादा काबिल मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा। ध्यान से आयुष्मान, ध्यान से। मेनका, अपना ध्यान रखना। बाय बेटा। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्या रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। महादेव, आखिर किस बात की परीक्षा ले रहे हैं आप मुझसे? अब इशिका भी एक एक करके आप मुझे मेरे अपनों से दूर क्यों कर रहे हैं महादेव? क्यों? जवाब दीजिए महादेव। पर मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं महादेव कि इन परीक्षाओं से डरकर मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगी। मैं आपकी भक्ति भी करूंगी और इस हवेली के प्रति अपना कर्तव्य दोनों एक साथ निभाऊंगी।
जिसके कारण इस घर का दीपक बुझा, उस अपशगुनी को इस मंदिर में दिया जलाने का कोई हक नहीं है। इस पवित्र मंदिर में अपने अपवित्र कदम रखने का पाप दोबारा मत करना। मेरा सच जाने बिना सब मुझसे नफरत करने लगे करण, और मैं भी कितनी अभागन, चाहकर भी मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि ये सब कुणाल की डील की वजह से। अपनों की अनदेखी, उनकी नफरत, मुझसे और देखी नहीं जारी करो। आपकी आखिरी निशानी इस हवेली को बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। ये पेपर्स एक ऐसी सीढ़ी है जिसके ऊपर मैं कदम रखकर तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए मैं हम दोनों के बीच की दुश्मनी मिटाकर एक पार्टनरशिप शुरू करना चाहता हूं। तुम्हें हवेली चाहिए थी ना, जाओ दी तुम्हें पूरी हवेली। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो पेपर्स, इसमें तुम्हें दादी माँ के सिग्नेचर्स और उस काव्या के अंगूठे के निशान दोनों मिल जाएंगे। कम ऑन, चेक इट। फोटोकॉपी। हाँ, यार, यही बात तो मुझे तुम्हारी इंप्रेस करती है हमेशा। मैं जानता हूँ ये फोटोकॉपी है, और अगर तुम्हें ओरिजिनल पेपर चाहिए ना, जैसा मैं कह रहा हूँ, साथ मिला लो। तुम जैसे स्वार्थी आदमी सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए हाथ मिलाते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है, क्योंकि इस डील के अगेंस्ट तुम मुझसे बहुत मोटी रकम मांगोगे, जो मैं देने के लिए तैयार नहीं। अरे 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 रुको कुणाल यार, मैं आज तक यही सोचता आया था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन हो, अपना हर कदम सोच समझ के चलते हो, मगर देखो यार
तुमने तो मेरी डील सुने बिना ही इस पेपर को फाड़ने की ठान ली। ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है यार। अरे किक नहीं मिलती मुझे पैसों के नाम पर। इसलिए मैं तुमसे इस हवेली के बदले एक फूटी कौड़ी नहीं मांगूंगा। मुझे काव्या चाहिए। मेरी भूख सिर्फ काव्या मिटा सकती है। मुझे पूरी तरीके से अपना कर यही एक छोटी सी डील में जा रहा हूं तुम्हारे साथ। बस क्या और कुछ? और कुछ नहीं बस। ठीक जाओ अपनी तरीके से अपना लो। आगे कुणाल गायत्री सिंह तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा। ग्रेट अब तो हाथ मिलाओ। हवेली के ओरिजिनल पेपर्स मैं तुम्हें इस काम के उजाने के बाद सौंप दूंगा। व्हेनेवर। करण, आपकी हवेली को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, बड़े से बड़ा संघर्ष भी करूंगी, लेकिन उस कुणाल से अपनी हवेली लेकर ही रहूंगी। अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। इस हवेली के सारे ओरिजिनल पेपर्स मैं तुम्हें बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सौंप दूंगा। मगर उससे पहले तुम काव्या को थाली में सजाकर मेरे सामने परोसने की अपनी जिम्मेदारी निभाओ। थाली में सजाकर परोसना, ये तुम्हारे बोलने का अंदाज मुझे बड़ा पसंद है। इससे ये तो जरूर पता चलता है कि राजा बाबू को पूरी खातिरदारी चाहिए, कि राजा बाबू को हाथ पैर नहीं चलाना। तो डील के अनुसार मैं सब अरेंजमेंट्स कर दूंगा। नो वरी। इशिका के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। क्या भवानी जी, आपने हवेली के कागजात किसी कछुए के हाथ से भिजवाए हैं क्या?
अभी तक मेरे पास पहुंचे ही नहीं। हवेली के कागजात आपके नाम पर कर दिए गए हैं, जल्द ही आपके पास भिजवा देंगे, आप चिंता ना करें। अरे चिंता मैं क्यों करूंगा, पैसे आपको चाहिए, चिंता तो आपको होनी चाहिए। खैर मैं इंतजार करूंगा। भानु से हवेली के कागजात लेकर उस पर काव्या के साइन लेने का समय आ गया है। धीरे बोलो। अरे पेपर्स गायब हैं, धीरे बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है, पेपर्स नहीं है इसमें। पेपर्स कहाँ हैं? बेचकर 400 करोड़ से शॉपिंग करने की ये लंबी लिस्ट बना रखी थी, मेरी लिस्ट का क्या होगा? कैसे हो सकता है, ये पेपर्स जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पेपर्स छुपाते हुए किसी ने देख लिया हो और हमारे आने से पहले उसने पेपर चुरा लिया हो? मैंने कहा किचन में उस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा कौन था? कोई नहीं था। आपको भी पूरी हवेली छोड़कर मन उस जगह मिली थी पेपर छुपाने के लिए? हाँ तभी तो ये जगह तुम्हें अच्छी लगी थी। अब अगर अम्मा जी प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगेगी तो क्या करेंगे? भानु हमें हवेली के कागजात चाहिए। उस पर काव्या के सिग्नेचर लेने का समय आ गया है। ये रॉकी भरोसे के आदमी है, हाथ मिलाने के बावजूद भी ओरिजिनल पेपर देने से मुकर सकता है मुझे। पेपर्स खुद ही हासिल करने होंगे। इसने आखिर पेपर्स हवेली में छुपाए तो छुपाएगा कैसे पता? ओ सीसीटीवी, मैं आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूं, प्लीज जाइए। मैं आज कुछ सुनाने नहीं बल्कि मांगने आई। मेरा अगला टास्क, आज का मेरा टास्क क्या है? कहां है हवेली के पेपर्स? तुम दोनों के चेहरे पर से हवाइयां क्यों उड़ी हुई है?
तुम दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? वो अम्मा जी, अब आपसे क्या छुपाना? वो दरअसल हवेली के कागजात ना हमारे कमरे में है, पर अब हमारा कमरा हमारा नहीं रहा ना। मतलब वो हमारे कमरे पर तो कुणाल ने कब्जा कर लिया है, और हमारे कमरे से कागजात निकालना बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगर कागजात पर कुणाल ने धीरेन्द्र सिंह का नाम देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा वो। मामा, वो मामा, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं डील के पहले हमें हवेली से निकाल दे। हानु, जिंदगी में पहली बार हमें लगा था कि तुमने कोई काम ढंग से किया है, मगर हमें किसी भी हालत में कल तक वो पेपर्स चाहिए। अगर समय पर काव्या के सिग्नेचर्स लेके पेपर्स धीरेन्द्र सिंह को नहीं दिए तो वो हमारी मदद नहीं करेगा, समझ गए? समझ गए। और उसके मदद के बिना हम इस कुणाल को हवेली से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वो क्या है ना, मैं तुम्हें अपने दीन से मुकरने का कोई मौका नहीं देना चाहती। कल को तुम ये ना कह दो कि उस दिन मैंने तुम्हें कोई टास्क नहीं दिया तो वो दिन इंक्लूड नहीं होगा। मेरे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से जल्द निकालना चाहती हूं। वाओ, ऊंची सोच, तीखे तेवर। अपना टास्क आप खुद मांगने आई हैं। आपकी दिलेरी ने ना मेरा दिल जीत लिया, इसलिए आज आपके लिए कोई टास्क नहीं। जाइए, आराम कीजिए। क्या सच में? या फिर ये भी कोई डील का हिस्सा है? मुझे बात घुमाकर बात करनी नहीं आती। एक बार सीधे सीधे कहा आराम करो, मतलब आराम करो। अब जाइए, मैं कोई जरूरी काम में बिजी हूं। प्लीज। धीरे धीरे इसे पर हिम्मत बढ़ रही है। गुड। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।